फर्स्ट। देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्यों है। जैसे बेतहाशा इस समय रासायनों का उपयोग बढ़ा है कृषि के सारे क्षेत्र में, चाहे वो आपके सीरियल्स हों, फ्रूट क्रॉप्स हों, वेजिटेबल हों, सभी हो, और उससे जो आदमी का इफेक्ट हो रहा है, आदमी हर तरह से परेशान है और उससे बचना चाह रहा है, तो कैसे आप विष से मुक्त यानी जो पॉइजन लेस सब्जियां खा सकें, अपने घर में भी कर सकें, तो ये एक अभी तक आपने देखा है कि हमने क्रॉप्स ले रहे हैं किसमें, मिट्टियों पे उगा रहे हैं, और उसके बाद हम चले गए किसमें, ग्रीन हाउस में कर रहे हैं, पॉली हाउसेस में कर रहे हैं, नेट हाउस में कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल लेस भी कर रहे हैं कोकोपिट और वर्मी को लेके। ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मतलब जो नाम से ही है कि हम ये पानी पे खेती कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप जैसे ये हमारा डिस्प्ले देख रहे हैं, ये छोटे यूनिट से लेके मीडियम से बड़े आपके परिवार के हिसाब से इसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये। हम बेस के और स्ट्रेंथिंग के इसमें कोकोपिट रखते हैं, ये आपने देख रहा है कि कोकोपिट है, ये कोकोपिट के साथ वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाला हमने इसमें, और उसके बाद आप देखेंगे इसके रूट सब बाहर आ गए, ठीक है। और ये आपकी पानी, ये हो रही है पानी में खेती, पानी एक तरफ से जा रहा है, सिंपल सा हमने एक मोटर लगा रखा है जिससे आप देखेंगे एक तरफ से ये वापस हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन के लिए। अब बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स बाजार में इजिली अवेलेबल हैं, जैसे एक नाम आपको बता दूं मैं, 1919 करके, हाँ ऐसे बहुत सारे हैं जो एसेंशियल, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हो गए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो ये वाटर सोल्यूबल है, उस सोल्यूबल पे हम डाल के इसका कर लिए। इसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी कॉम्बिनेशन करके कॉम्बी करके आते हैं हम, आप उनको ले लिए और उसके सोल्यूशन के साथ में इसको इजिली, स्पेशली आप घर के यूज के लिए लीफी वेजिटेबल्स, जैसे अभी आप हमने यहाँ पे देखिए कि लेट्यूस लगा रखा है तो बहुत आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप पालक ले लीजिए, चेरी टोमेटो जो इस तरफ लगा रखा है हमने, ये बहुत आसानी से इस कंडीशन में होता है। देखिए जितने लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग्जांपल पालक आप लीजिए, मेथी ले लीजिए, आप मेथी लेने के बाद लेट्यूस की सारी वेराइटीज ले लीजिए, ये सब कुछ बहुत ईजिली आपको वहाँ पे होता है, आसानी से होता है। टोमेटो में जैसे बड़े टोमेटो का हम इसलिए वो नहीं करते कि थोड़ा सा उसके आपको ट्रेलिस अच्छी बनानी होगी, ये तो आप बड़े टोमेटोज भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन ब्रिंजल ले लीजिए, ये सारा कुछ आपके घरेलू कंजप्शन पे आराम से इसको कर सकते हैं। ये कॉस्टिंग जैसे देखिए आपको 200-250 प्लांट्स के अगर बनाने हैं तो 25,000 से 30,000 रुपए में वो आपके अच्छे बन जाएंगे, 25 से 30,000, हाँ बन जाएंगे आराम से, बिल्कुल। देखिए कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, इसको अगर आप समझ के जाएंगे तो खुद भी बना सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं छत्तीसगढ़ में अभी हम गवर्नमेंट, जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट की तरफ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ में वहाँ पे एक दो जो प्राइवेट एंटरप्रेनर्स हैं वो प्रोवाइड छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। दिल्ली में अगर चाहिए तो दिल्ली में IST करके जो संस्था है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ से आपको इसकी टेक्निक और ये सारा कुछ अवेलेबल है। नहीं नॉर्मल पानी में वही जो हमको सॉल्युबल फर्टिलाइजर यूज करना है, वही 1919 आपको जो बताया हमने, वो उसको घोल देना है आपको, और आपको क्या है कि इसके साथ में एक वो मिल जाएगी पूरी जानकारी कि किसके लिए कितना डालना है, अलग अलग कंसंट्रेशन है वो डाल के करना है। उसके बाद इसकी जैसे आपको एसिडिटी मेंटेन रखनी है, जो pH वैल्यू होती है, तो वो सब थोड़ा सा है वो क्रॉप वाइज थोड़ा सा नॉर्मल रहे तो आपका आराम से चलता है।